वेल हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, बात कर रही हूँ मैं सीरियल उड़ाई की उड़ाई में मजेदार ट्विस्ट के साथ। ये दिखाता है कि जहाँ एक तरफ इधर दिखाता है कि जैद भी प्रॉमिस ले लेता है और अरमान और आशमा भी आ जाते हैं करीब, वही इधर दिखाता है कि अरमान की माँ जाती है मुर्तजम के पास और मुर्तजम को बोलती है कि तुम आशमा से शादी कर लो, यानी कि निकाह कर लो, और जो कबूल बाकी था वो कबूल पढ़ लो। वही लेकिन मुर्तजम मानता नहीं और बोलता है कि आप जब जानते हैं कि अरमान और आशमा एक दूसरे से कितना मोहब्बत करते हैं तो मुझसे ये पाप करवा रहे हैं। वह इधर बोलते हैं कि मैं भी आशिमा को प्यार करती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, आलिया जीने नहीं देगी राजा के बच्चे को, और उस वजह से अरमान उसको चाहिए। वह इधर देखने में मजेदार होगा कि मुर्तजम करेगा आशिमा से शादी, क्योंकि इधर मुर्तजम बोल रहा होता है एक तरफ जैद की इच्छा है अम्मी बना के लाने की, वह इधर दो प्यार करने वालों को मैं कैसे अलग कर सकता हूँ, इतना बड़ा गुनाह मेरे से कैसे होगा। वह इधर देखने में मजेदार रहता है कि जहाँ एक तरफ अरमान और आशिमा खेल रहे होते हैं जैद के साथ, उसको खाना खिला रहे होते हैं, वह इधर मुर्तजम भी अपने मन में सोचता है कि क्या करना चाहिए मुझे आशिमा से निकाह, या इस बार मैं रहने दूं क्योंकि मैं किसी और की बात पे आ नहीं सकता। वह इधर दिखाते हैं कि सुखी गिल इस दौरान आता है और बोलता है कि मुझे आप लोग से बात करना है, यानी अरमान तुमसे बात करना है और इस सिलसिले में बात करना है। वही दोस्तों, देखने में मजेदार होने वाले अपकमिंग एपिसोड में कि इधर बताया जाएगा कि आशिमा करेगी मुर्तजम से निकाह और चली जाएगी दूसरे मुल्क, वही कि अरमान को मिलेगा धोखा और करेगा वो आलिया से शादी। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कॉमेंट कीजिएगा। जब तक के लिए थैंक यू।